असल स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग और आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर फिल्टरिंग तो लीनियर फिल्टरिंग है क्या बेसिकली वो हम पढ़ लेते हैं लीनियर फिल्टरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग और इन्हेंसिंग अ सिग्नल बाय अप्लाइंग अ लीनियर ऑपरेशन टू इट इट टिपिकली इन्वॉल्व्स कन्वॉल्विंग द इनपुट सिग्नल ऑफ फैन विद अ फिल्टर कर्नल विच इज़ also used इन इमेज प्रोसेसिंग और the impulse response एच ओ फैन ऑफ द सिस्टम तो मतलब ये है लीनियर फिल्टरिंग का कि लीनियर फिल्टरिंग एक प्रोसेस होता है जो कि किसी सिग्नल को इनहस करने के लिए यूज़ होता है और इन्हांस भी कैसे उसको लीनियरली इन्हांस करने के लिए या फिर किसी टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी हो सिग्नल में से तो आप उस सिगनल पर लीनियरली को लीनियर फिल्टरिंग करवाते हैं और ये होता है क्या है ये लीनियर ऑपरेशन होता है सही है और इसमें क्या मतलब होता है लीनियर फ़िल्टरिंग करवाने का एक सिग्नल पे उसका ये मतलब होता है कि जैसे आपके पास एक इनपुट सिग्नल है ऑफ फैन आप उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ कॉन ले लें ऑफ ले, फ़ैन के साथ ये तो बात हो गई डी की तो लीनियर फ़िल्टरिंग हो जाएगी और जब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग होती है ना डी तो उसके अंदर ये भी होता है कि वहाँ पर सिग्नल आपका पिक्चर होती है एक टू डायमेंशनल सिग्नल कहलाता है वो एक जो पिक्चर होती है इमेज वो टू डायमेंशनल सिग्नल होता है जब टू डायमेंशनल सिग्नल है ना तो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स भी टू डायमेंशनल होता है तो होता क्या है कि आप उसको एक फ़िल्टर कर्नल पे से गुजार देते हैं फ़िल्टर कर्नल ये होता है कि जैसे अगर ये एक तस्वीर है इमेज है ये तो फिल्टर कर्नल छोटा सा होता है वो एक एक करके वो पहले यहाँ की पिक्चर को एनालाइज़ करेगा फिर यहाँ की फिर यहाँ की फिर यहाँ की फिर वो नेक्स्ट लाइन में आके यहाँ ऐसे ऐसे करके वो पूरी पिक्चर को एक एक एक, एक करके डब्बों में करके लीनियरली फिल्टर करवा देता है अब इससे होता क्या है ये हम आके देखते हैं इसके यूजेज़ में तो ये जो काम कहलाता है ये कहलाता है लीनियर फिल्टनिंग तो यूजेज़ क्या है नॉइज़ रिडक्शन सिग्नल स्मूदिंग सिग्नल इनहानसमेंट डेटा कंप्रेशन अच्छा ब्लरिंग करना शार्पनिंग करना ये भी इन्हीं में आ जाता है कि जब वो जो पिक्चर के ऊपर फ़िल्टर का कर्नल छोटा सा वो जाता रहता है फ़िल्टर के कर्नल की कुछ वैल्यूज़ होती हैं फ़िक्स वो उनके ऊपर प्रोसेसिंग करवाता रहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद तो एंड में जो आपके पास पिक्चर आती है वो अगर आपने स्मूदिंग फ़िल्टर लगाया होगा तो वो स्मूद हो जाएगी अगर आपने शार्पनिंग फिल्टर लगाया होगा तो शार्प हो जाएगी ये होता है काम बेसिकली लीनियर फिल्टरिंग का तो हम इसको यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर डी एफ टी आई डी एफ टी इन्वॉल्व है और उसका काम क्या होगा आगे वो हम देख लेंगे तो इसी के साथ ये शुरू करते हैं हम कि लीनियर फिल्टरिंग यूजिंग डी एफ टी एंड आई डी एफ टी लीनियर फिल्टरिंग आई डी एफ टी और डी एफ टी की मदद से कैसे पॉसिबल है तो द डी एफ टी एंड आई डी एफ टी हेल्प्स इन डूइंग लीनियर फ़िल्टरिंग वेन कंप्यूटेशन इज़ डन इन अ सॉफ्टवेयर बाई मीन्स ऑफ एफ एफ टी एंड आई एफ एफ टी ठीक है लीनियर फिल्टरिंग इज अचीव बाई यूजिंग लीनियर कॉन्वोल्यूशन और सर्कुलर कॉन्शन लीनियर फिल्टरिंग का जो काम है वो आप डी और आई की मदद से भी करवा सकते हैं या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर बेस्ड काम कर रहे हैं तो आप एफ़ और आई एफ यूज़ करेंगे जैसे मेटल के अंदर इनकी बिल्डिंग कमांड्स होती हैं और इसी के साथ क्या है आप इसका काम कॉन्वोल्यूशन और कौन सा लीनियर कॉन्वोल्यूशन और सर्कुलर कॉन्व्यूशन इनसे भी करवा सकते हैं तो ये क्या है इसको हम देख लेते हैं इस डायग्राम में ज़रा अब बेसिकली एक एल सिस्टम है इसके अंदर एक इनपुट सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन आउटपुट सीक्वेंस है वाई ऑफ एन और इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ एन अगर एक्स ऑफ एन यानी इनपुट सीक्वेंस की जो लेंथ है ना उसको मैं अगर एल कह लूँ लेंथ ऑफ एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू एल अगर ये जो लेंथ है वो इनपुट सीक्वेंस की है और सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स की लेंथ है एम सही है तो हमेशा अगर आप आउटपुट जनरेट करेंगे ना जब सिग्नल की लेंथ एल हो और इम्पल्स रिस्पॉन्स की सिस्टम की लेंथ एम हो तो आपका आउटपुट हमेशा जो वाई ऑफ एन होता है उसकी लेंथ होगी एन वो बराबर होती है एल प्लस एम माइनस वन के मतलब लेंथ ऑफ इनपुट सिग्नल प्लस लेंथ ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स माइनस वन इतनी लंबी लेंथ का आउटपुट जनरेट होता है सही है अब ये तो हो गया हमने एक बेसिक पिक्चर देख ली कि लेंस क्या इफेक्ट करती हैं आउटपुट पे इनपुट की और इम्पल्स रिस्पॉन्स की तो हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि ऑप्टेनिंग वायोफन यूजिंग लीनियर कॉन्वोल्यूशन आपका जो वायोफेन है वो लीनियर कॉन्वेल्यूशन से कैसे आता है वो देख लेते हैं ये तो सिग्नल एंड सिस्टम्स में भी पढ़ के आ चुके हैं कि लीनियरली कॉन्ूट करवाते हैं आप अपने इनपुट सिग्नल को और इम्पल्स रिस्पॉन्स को तो आपके पास ऑफ फ़ैन आ जाता है तो वही यहाँ पे मैं एक बार रिकॉल करा दूँ कि जब आपकी जो इनपुट सीक्वेंस है एक्स ऑफ फैन जिसकी लेंथ है एल सही है उसको लें आप और जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है सिस्टम का एच ऑफ फ़ैन जिसकी लेंथ है एम आप उसको लें उन दोनों को लेके आएँ और लीनियरली कॉन्वल्यूट करवा दें ये लीनियर कॉन्वोल्यूशन का सिंबल है या ऑपरेटर है लीनियर कॉन्वोल्यूशन का तो आपके पास जो आउटपुट पे सीक्वेंस मिलेगी वो मिलेगी वाई ऑफ एन जिसकी लेंथ होगी एन जो के बराबर है एल प्लस एम और माइनस वन इसके एन इज़ इक्ल टू एल प्लस एम माइनस वन और लीनियर कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है वाई ऑफ एन इज़ इक्वल टू समीशन एन इज़ इक्वल टू माइनस इन्फाइनइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ के मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ एन माइनस के सही है जो होता है फॉर्मूला उसका लीनियर कॉन्शन का अच्छा जो ये आउटपुट आया ना एक्स ऑफ वाई ऑफ एन वो किससे आया एक्स ऑफ एन से और एच ऑफ एन से अब अगर हम लीनियर कॉन्शन नहीं करवाएं अगर हम उसको डी एफ टी या डी एफ टी से करवाएंगे ना तो उनकी लेंथस पे फ़र्क पड़ता है वो क्या होगा वो हम उसकी डायग्राम में देखेंगे तो क्या है अब हम जैसे यहाँ पे करा था हमने वायोफन ऑब्टेन किया था एक्स ओ फैन और एच ओ फ़ैन से और क्या लीनियरली कॉन्ड करवा के अब हम हायोफ़ैन ही कंप्यूट करेंगे लेकिन किसकी मदद से डी एफ़ टी और आई डी एफ टी यूज़ करते हुए वायोफन निकालेंगे तो देख लेते हैं इसके स्टेप्स क्या होंगे हमें पता है कि वायोफेन जो है वो बराबर है समेशन एन इज़ इक्वल टू माइनस इन्फाइन टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ के एन टू एच ऑफ फ़ैन माइनस के ये ना वही लिखा हुआ है लीनियर कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला लीनियर कॉन्वेल्यूशन का फॉर्मूला जिसके अंदर एक्स ऑफ़ के इन्वॉल्व है और एच ओफ़ के इन्वॉल्व है मतलब जब एक्स ऑफ के और एच ओफ के का आप कॉन्वोल्यूशन ले लेंगे तो आपके पास वाई ओफन आ जाएगा ये वही चीज़ लिखी हुई है ये पूरी चीज़ के एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्यूशन एच ओफ एन तो आपके पास वाई ओफन आ जाएगा और मैथमेटिकल फार्मूला ये रहा उसका अब अगर एक काम करें उसको डी एफ टी आई डी एफ टी की मदद मतलब से करना चाहें तो क्या होगा क्योंकि डी और आई डी के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना पड़ता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस पूरी चीज़ को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जा सकते हैं तो वो नज़र कैसे आएगी वाई ऑफ एन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके कैपिटल वाई ऑफ मोमेगा में चला जाएगा और ये वाला जो पार्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएगा वो कैसा नजर आएगा तो बस मैंने उसको ये लिख दिया कि एफ़ मतलब फ्रीकवेंसी डोमेन में चला गया कौन सा ये वाला पार्ट पूरा समीशन से लेकर यहाँ तक का तो मैंने लिख दिया इन दोनों को मैंने कह दिया इक्वेशन वन एन टू अब कॉन्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं फोर ट्रांसफॉर्म की क्या होती है अब वो ये होती है कि भाई एक्स वन ओ फ़ैन और एक्स टू ओ फ़ैन का जब आप कॉन लेंगे और ये होता है कहाँ ये होता है टाइम डोमेन में तो ये चीज़ बराबर होती है कहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसके आप एक्स वन ऑफ़ैन का फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल लें वो जगह एक्स वन ऑफ ओमेगा आप एक्स टू ओ फैन का फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल लें वह एक्स टू ओ फोम है आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें कॉन्ूशन की प्रॉपर्टी होती है ना ये कि टाइम डोमेन के सिग्नल्स लीनियरली कॉन्ट हो रहे होते हैं और वो चीज़ बराबर होती है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो दोनों सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं सही है ना अगर हम ये चीज़ यूज़ करें तो क्या होगा ये देखें क्योंकि ये एक्स ऑफ़ के और एच ऑफ के ये दोनों टाइम डोमेन में लीनियरली कॉन्विट हो रहे हैं ये एक तरीके से जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वही लिखा हुआ है ना एक्स ऑफ के कॉन्वल्यूशन एच ऑफ़ के और फिर हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में खोल दिया तो ये तो मैं इसकी जगह ये भी तो कर सकता हूँ एक्स वन ऑफ ओमेगा और एक्स टू ऑफ ओमेगा ऐसे करके तो यहाँ पे एक्स वन ऑफ़ ओमेगा एक्स ऑफ़ के हो जाएगा और एक्स टू ऑफ ओमेगा एच ऑफ़ के हो जाएगा यहाँ पे के नहीं हम ओमेगा चला लेते हैं ठीक है क्योंकि फोर ईयर ट्रांसफॉर्म हम ले रहे हैं इसलिए ओमेगा तो वाई ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा एंड h एच ऑफ ओमेगा ठीक है ये हो गया आपने इसको इक्वेशन थ्री कर दिया और ओमेगा की जगह आप टू पाई के अपॉन एन भी चला सकते हैं और के की रेंज कहाँ से जाएगी ज़ीरो से लेकर एन माइनस वन तक यहाँ पे अगर आप के की रेंज रखना चाहें तो आपने इसको के की फॉर्म में लिख दिया वाई ऑफ़ के इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ़ के एन टू एच ऑफ़ के के की रेंज ये आ गई और ये पूरी चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप इस पूरी चीज़ को आर डी एफ टी ले लें तो वाई ऑफ के का आर डी एफ टी वाय फ़ैन हो जाएगा जो कि बराबर है आर डी एफ टी और वाई ऑफ़ के मतलब इस चीज़ का जब आप आर डी एफ़ टी ले लेंगे वाई ऑफ़ के का तो वाई ऑफ एन में आ जाएंगे तो ये तो चीज़ हो गई कि एन निकला कैसे अब ये तो पूरी मैथमेटिकल पिक्चर हो गई कि आपने एक्स ऑफ़ के और एच ऑफ़ के से शुरू करा था और एंड पे आके आपने वाई ऑफ एन निकाला इसको हम एक पिक्चर में देख लेते हैं तब ये ज़्यादा समझ में आएगा अच्छा जब मैं वो बता रहा था ऊपर के वाय फैन निकलता है कैसे लीनियर कॉन्वोल्यूशन से तो आपने क्या करा था आपने एक्स ऑफ एन लिया था एच ऑफ एन लिया था उनको डायरेक्टली ले के आपने लीनियर कॉन्शन के सिग्नल में वो लीनियर कॉन्वोल्यूशन करवाया था उनका और फिर आउटपुट डायरेक्टली आपके पास ऑफ वायोफैन आया था अब अगर आपको डी एफ़ टी आई डी एफ़ टी की मदद से करना है तो वो कैसे होगा तो आपने क्या करना पड़ेगा पहले तो आज आपका जो एक्स ऑफ एन सिग्नल है ना और एच ऑफ एन सिग्नल है इन दोनों की लेंथ डिफाइन कर लें कि एक्स ऑफ एन की लेंथ एल है एच ऑफ एन की लेंथ एम है तो आपने वाई ऑफ एन निकालने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे क्या सबसे पहले जो आपको एक्स ऑफ एन की सीक्वेंस है ना उसमें पैडिंग करवानी पड़ेगी वो कौन सी जीरो पैडिंग जीरो पैडिंग क्या होती है जैसे आपके पास एक्स ऑफ एन का सिग्नल है वन टू थ्री अब ये है तीन पॉइंट का तीन पॉइंट की सीक्वेंस है वन टू थ्री तीन एलिमेंट्स है ना इसमें अगर आपको ये पाँच पॉइंट की सीक्वेंस करवानी है तो पाँच की कैसे करवाएंगे वन टू थ्री है ना तीन पॉइंट की आगे दो ज़ीरो लगा दें तो वन टू थ्री ज़ीरो ज़ीरो अब ये पाँच पॉइंट की सीक्वेंस बन गई है इसे कहते हैं ज़ीरो पेडिंग करवाना अच्छा एक्सो फेन की जो सीक्वेंस है उसके अंदर बग़ैर सोचे समझे पैटिंग नहीं करवानी एक ख़ास तरीके के तहत पैटिंग होती है और कितनी पैटिंग करवानी है ये बताता है ये तरीका तो ऑफ़ फैन का जो सिग्नल है ना उस पर आपने पैडिंग करवानी है एम माइनस वन एम माइनस वन का क्या मतलब है एम माइनस वन का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले एम पता हो होम क्या है इम्पल्स रिस्पॉन्स की सीक्वेंस जो है उसकी लेंथ है तो इस लेंथ में से एक कम करवाएं जैसे अगर एल है थ्री और एम है थ्री दोनों अगर थ्री थ्री हैं तो एक्सो के बाद आपने कितनी पैडिंग करवानी है एम माइनस वन ज़ीरोकी मतलब तीन में से एक गए तो दो तो एक्स ऑफ एन की सीक्वेंस के बाद आपने दो ज़ीरो लगाने पड़ेंगे वो पैड हो जाएगी आपकी सीक्वेंस फिर एक्स ऑफ एन की आपकी पैड होने के बाद ज़ीरो होने के बाद वो फिर आपकी डी के लिए तैयार हो जाएगी एक्स ऑफ एन की सीक्वेंस इसी तरीके से आपने एच ओ फ़ैन की सीक्वेंस को भी पैड करवाना पड़ेगा और कितना एल माइनस वन जो एक्स ओ फैन की सीक्वेंस है ना उससे कम इतना ज़ीरो पैडिंग करवानी पड़ेगी तो एम अगर थ्री है तो उस पर क्या पैडिंग होगी तो होगी एल माइनस वन एम थ्री था एल थ्री था तो एम थ्री है एल थ्री है तीन में से एक गए दो तो एम की जो सीक्वेंस है जैसे अगर वो वन 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 है तो आगे उसके दो ज़ीरोज़ लगाए जाएंगे तो ज़ीरो ज़ीरो पैडिंग करवाने का ये मतलब होता है अब होगा क्या के दोनों की जो सीक्वेंस हो जाएगी ना दोनों सीक्वेंस की लेंथ अब वो हो जाएगी एल प्लस एम माइनस वन पहले थी एल एक्स ऑफ एन की पैड करवाने के बाद उसकी सीक्वेंस की लेंथ हो गई है एल प्लस एम माइनस वन इसी तरीके से एम की जो सीक्वेंस थी उसको पैड करवाने के बाद उसकी भी लेंथ एल प्लस एम माइनस वन हुई है ये हमने पैडिंग इसलिए करवाई है कि दोनों की जो लेंथ है ना वो वो वाई एन की लेंथ के बराबर हो जाए वाई ओफ़न की लेंथ क्या थी एल प्लस एम माइनस वन यहाँ पे जैसे हम एन भी पढ़ सकते हैं इन दोनों की लेंथ हो चुकी है अब एन मतलब सेम हो गई है पहले एल थी पहले एम थी इसकी दोनों की अलग अलग थी ना हमने इनको इस तरीके से पैड करवाया कि दोनों की लेंथ सेम हो गई वो कितनी हो गई एन अब हम वही काम करेंगे क्या करेंगे अब जो एक्स ऑफ एन की सीक्वेंस पैड होने के बाद यह बन गई है अब हम उसका डी लेंगे तो कैपिटल एक्स ऑफ के मिल जाएगा हमें इसी तरीके से जब एच ऑफ एन की सीक्वेंस है वो पैड होने के बाद जो बन गई है उसका हम डी लेंगे तो वो बन जाएगा एच ऑफ़ के है ये दोनों सीक्वेंस मिल गए हैं आपके पास अब इन दोनों को आप करवाएंगे पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे जो आंसर आएगा उसको आप कैपिटल वाई ऑफ के बोल देंगे सही है कैपिटल वाई ऑफ के हो गया और कैपिटल वाई ऑफ के का जब आप आई लेंगे तो आपके पास वाई ऑफ एन जनरेट हो जाएगा जो के पास आपकी आउटपुट सीक्वेंस है उसकी लेंथ भी होगी एल प्लस एम माइनस वन अच्छा अगर आपने एल सीक्वेंस एक्स ओ फ़ैन और सीक्वेंस एच ओ फेन अगर आपने इनको जीरो पैड नहीं करवाया होता इस तरीके से तो ये आपको सीक्वेंस की जो लेंथ है ना ये नहीं मिलती कभी भी ये हमेशा गलत मिलती ये मिलनी चाहिए वो वाली जो है आपकी लीनियर convolution में जो मिलती है एल प्लस एम माइनस वन हमेशा ये मिलनी चाहिए सही है ये तो आपने देख लिया कि वायोफ़ैन कैसे ऑप्टेन होगा डी एफ टी और IDFT डी एफ टी से अच्छा ये जो डी एफ टी ले रहे हैं अब ये कॉपी पे लिखने के लिए तो सही है कि डी लिया आपने वरना मेटलप पे करते हैं तो फिर क्या करेंगे आप एफ़ एफ टी अब लीनियर कॉन्शन में ये मसला है कि वो देर लेता है और एफ एफ टी ज़्यादा तेज़ होता है तो आपने डी एफ टी आई डी एफ टी इसीलिए यूज़ करा है कि आप कंप्यूटर पे जब आप आएंगे तो एफ एफ टी और आई एफ एफ टी यहाँ पर यूज़ करके जल्दी कर कॉम्प्यूट कर लेंगे ये ये हो गया अच्छा तीसरा तरीका है क्या कि वाई ऑफ एन आपने दोबारा कैलकुलेट करना है लेकिन कैसे सर्कुलर कॉन्ूशन की मदद से वो देख लेते हैं तो अगर हम कॉन््यूशन की प्रॉपर्टी लिख दें दोबारा कि ये होती है सर्कुलर कॉन््यूशन की एक्स वन ऑफ एन का जब आप सर्कुलर कॉन्शन लें एक्स टू ऑफ एन के साथ ये सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेटर है तो टाइम डोमेन में ये चीज़ बराबर होती है एक्स वन ऑफ़ के इंटू एक्स टू एफ के ये चीज़ बराबर होती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में मतलब दो सिग्नल्स का टाइम डोमेन में कॉन््यूशन बराबर होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन के अच्छा ये मैंने कॉन्ूशन की प्रॉपर्टी लिखी है और वही पीछे से एक बात रिकॉल करवाइए कि वाई ऑफ़ के बराबर होता है एक्स ऑफ़ के इन टू एच ऑफ़ के के ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में अच्छा अगर ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा दूँ तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों सिग्नल जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो बराबर होते हैं उन दोनों सिग्नल्स के टाइम डोमेन में सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के तो एक्स ऑफ़ के और एच ऑफ़ के ये दोनों भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या मैं इनको टाइम डोमेन में लीनियरली कॉन्ूड करवा सकता हूँ ना इस प्रॉपर्टी के तहत करवा सकता हूँ तो मैं एक्स ऑफ के की जगह एक्स ऑफ एन लिख सकता हूँ एच ऑफ के की जगह एच ऑफ एन लिख सकता हूँ और क्योंकि मैं के से एन में आ गया मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में आ गया तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो यहाँ पे ये यह सर्कुलर कॉन्क्लूड होंगे और वाई ऑफ के को मैं वाई ऑफ एन लिख सकता हूँ तो सही है ये पूरी चीज़ ये बन गई है और इसका करवाने का मेथड क्या होगा वो ये होगा एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है जिसकी लेंथ एल है और एच ओ फ जो सिग्नल है जिसकी लेंथ एम है आपने सबसे पहले वही काम करवाना है अभी जो डी एफ टी या डी एफ टी में करवा रहे थे पैडिंग करवानी है एक्स ओ फैन को जो सिग्नल है उस पर आपने एम माइनस वन जीरो पे करवाना है एम इस वाली की लेंथ है और माइनस वन जो भी लेंथ बनेगी अब तो आपने वो एक्स ओ फैन के आगे पैड करवा देनी है जीरो पैडिंग इसी तरीके से एच ओ फ के अंदर आपने एल माइनस वन जीरो पे एड करवाना है एल इसकी लेंथ है तो इसकी लेंथ में से एक कम जो आंसर आएगा तो उतने जीरोज़ आपने एच ऑफ एन की सीक्वेंस के आगे लगाना है तो दोनों की जो सीक्वेंस लेंथ बनेगी वो बन जाएगी आपके पास एन जैसे आप एल प्लस एम माइनस वन भी कह सकते हैं ये दोनों पैटिंग करवाने के बाद आपने क्या करना है डायरेक्टली दोनों सिग्नल को लेना है और सर्कुलर कॉन्शन करवा लेना है उनका तो आपके पास आउटपुट डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा वाई ऑफ एन डी एफ टी आर डी एफ टी के तरीके से नहीं कि इन दोनों का सीक्वेंस का आप पहले डी एफ टी लें फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं आंसर वाली सीक्वेंस को फिर आप आर डी एफ लें तो आपके वहाँ वायोफेन आएगा ये थोड़ा और फास्ट प्रोसेस है सही है ये हो गया अब एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या अभी तक क्या समझ में आया तो इन शॉर्ट द ओवरऑल स्टोरी इज़ दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द ऑफ एन आपको जब एन की सीक्वेंस निकालनी हो ना तो आप क्या करें यू शुड नॉट

लीनियरली कानवोलूट करवा लें तो आपके पास वायोफन आ जाएगा लेकिन अगर आपने वही वायोफन जो 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 लीनियर कॉन्वोल्यूशन से आया है अगर आपने उसको डी एफ़ टी आर डी एफ़ टी से निकालना हो या सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से निकालना हो तो उसको डायरेक्टली हम बे बगैर पैड किए नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर एक्सो डायरेक्टली यहाँ पर डाल देंगे ना बगैर पैड करें तो वायोफेन की सीकुंस की जो लेंथ है ना वो मसला करेगी वो वही नहीं बनेगी तो यही चीज़ बता रहा हूँ मैं यू हैव टू पैड बोथ सिग्नल्स बाय देर रिस्पेक्टिव मैर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एक्ूरेट रिजल्ट और एज द फाइनल आंसर सीक्वेंस वायोफैन विल भी नॉट लाइक एज यू एक्सपेक्टेड वायोफेन की सीक्वेंस फिर वो नहीं बनेगी अगर आपने पैड नहीं करवाया जो आपने एक्सपेक्ट करी थी बस लीनियर फिल्टरिंग का यही टॉपिक था जन्ड हो गया आज अब इसी के साथ हम लास्ट टॉपिक पर चलेंगे डिजिटल फिल्टर डिजाइनिंग का जो कि अब कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ का टॉपिक बनेगा बस ये थी आज की वीडियो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें जजाकल्ला